पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले तीसरे शार्प शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे रविवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 19 साल के अंकित ने सिरसा में हत्या के वक्त दोनों हाथों में गन लेकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। उसका ये पहला मर्डर था। हत्या के वक्त वही मूसेवाला के सबसे करीब गया था। यही नहीं, उसने एक फोटो भी खिंचवाई जिसमें बुलेट से सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है और पीछे बैठकर हत्या के वो संकेत भी दे रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद वो एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके, 5 राज्यों में मूव करते रहे। इस दौरान फतेहाबाद, तोशाम, पिलानी, कक्ष, मध्य प्रदेश, बिलासपुर, यूपी और झारखंड में रुके। इसके अलावा दिल्ली NCR और हरियाणा में भी इनकी मूवमेंट हुई है। वही मूसेवाला की हत्या में जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए थे उन्हें 2 दिन बाद यानी 1 जून को ही कोई अनजान शख्स लेकर चला गया। बताया जाता है कि इसकी प्लानिंग भी पहले से की गई थी। दिल्ली पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। वहीं कत्ल में इस्तेमाल AK-47 के बुलंदशहर से खरीदे जाने की पुष्टि नहीं की गई। इतना जरूर कहा गया कि दिल्ली पुलिस को अहम इनपुट मिले हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार किए गए प्रियव्रत फौजी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें ये सामने आया कि मूसेवाला की हत्या के बाद शार्प शूटर 9 दिन तक मनसा में ही किसी अज्ञात जगह पर छिपे रहे, जिसके बाद वो लगातार ठिकाने बदलते रहे। अंत में वो गुजरात पहुंचे, जहां से फौजी और कशिश पकड़े गए। अंकित सिरसा और दीपक मुंडी भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक मनसा में छिपने के दौरान शार्प शूटर्स को खाने से लेकर जरूरत का हर सामान मुहैया कराया गया। वो सामान कौन देकर जाता था इसके बारे में शार्प शूटर्स को भी नहीं पता है। वहीं ये संभावना जताई जा रही है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गे ही उनकी मदद कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।